आज का जो वीडियो है उसमें एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 5 का जो है उसमें देखेंगे कि इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 5k प्लस k11 आर इन AP। इसमें तीन सीरीज दिया हुआ है, इसमें तीन टर्म दिया हुआ है 5k और 11, उसमें से बताना है k का मान निकालना है। एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि a1 का वैल्यू हम लोग का 5 दिया हुआ है, उसी तरह से a2 का वैल्यू दिया हुआ k दिया हुआ है और a3 का वैल्यू दिया हुआ है 11। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो जब ये AP में होगा इसका और इसका डिफरेंस मतलब a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, क्योंकि यह AP में है। अब यहाँ पे a2 का वैल्यू देखेंगे k पुट करेंगे, a1 का वैल्यू 5 पुट करेंगे, इक्वल टू a3 का वैल्यू 11 है। अब यहाँ पे a2 का वैल्यू k है, अब देखेंगे इधर ये माइनस में है, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, k प्लस k कितना आ जाएगा 2k हो जाएगा। अब देखेंगे इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 11 और 5 जोड़ देंगे तो 16 आ गया। k का वैल्यू जो फाइंड करना है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। इससे हम लोग का k का वैल्यू जो है 8 निकल गया। तो इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, बहुत कुछ का शिकायत था कि एक बार में समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए आपको धीरे धीरे वीडियो बना रहे हैं और जो भी है स्टार्टिंग से बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में यदि 5k11 AP में हो लिखा है, मतलब ये एक्चुअली में AP में है, तो k का मान याद करें। a1 का वैल्यू 5 हो गया, a2 का वैल्यू k हो गया, a3 का वैल्यू 11 हो गया। अब इसको जब AP में है तो इसका a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2। अब इसका a2 का जो वैल्यू था k पुट कर दिए, a1 का वैल्यू 5 पुट कर दिए, a3 का वैल्यू जो है 11 पुट कर दिए, उसी तरह से a2 का वैल्यू k पुट कर दिए। इधर ये माइनस में है लेफ्ट साइड, यार राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस और ये यहाँ पे इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k जोड़ देंगे 2k, इधर ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, 11 में 5 जोड़ देंगे 16 जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, डिवाइड कर दिए थे कितना आ गया 8। अब यहाँ पे k का वैल्यू क्या हो गया, 8 निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 16, इन सर्टेन AP 11th एंड 16th टर्म आर 44 एंड 19 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द AP ऑल्सो फाइंड इट्स 20th टर्म। इसमें यदि किसी AP के 11वां और 16वां पद दे दिया गया तो AP ज्ञात कीजिए और उसका 20वां पद भी ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे जो दिया हुआ उसको नोट डाउन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे किसी AP में 11वां पद दे दिया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि T11, तो T11 देखेंगे कि T11 कितना 44। अब T11 को क्या लिखते हैं, एक कम लिखते हैं A+10D, ये फार्मूला पुट करेंगे तो इतना ही आएगा, ये 44 हो गया। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। उसी तरह से आगे दिया हुआ है 16 टर्म, मतलब T16 इक्वल टू 19, 16 टर्म को A+15D इक्वल टू 19 इक्वेशन 2 सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, A+10D इक्वल टू 44, A+15D 19। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस साइन इंटरचेंज हो जाएगा, माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -5D और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 14 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा 3, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, डी का वैल्यू 25/5। अब 5 इसको डिवाइड कर देंगे, ये माइनस में है तो चला जाएगा ऊपर में लिखते हैं इसको, तो डी का वैल्यू जो आएगा -5 आया। तो अब डी जब हमको निकल गया तो डी निकालने के बाद हम यहाँ से फिर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो फिर क्या निकलेगा, ए का वैल्यू निकलेगा। तो आप यहीं पे देख लीजिए, पेज पलटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ए प्लस
10d = 44, इक्वेशन वन लिखा हुआ है। अब इसमें से एक डी का जगह हम कितना पुट करना, -5। ए तो एज सेम इसको लिखेंगे, ये 10 आ गया, -5 लिखना है = 44। ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 आ जाएगा = 44। अब यहाँ पे ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो 94 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू मिल गया 94 और डी का वैल्यू इतना मिल गया। क्वेश्चन में क्या निकालना था, 20 टर्म निकालना था। अब पुट कर देते हैं इसमें 20 टर्म निकालने के लिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 20 टर्म निकालने के लिए t20 = a + n - 1 d। ए का वैल्यू मालूम है, ए का वैल्यू देखेंगे यहाँ से आया 94, तो ए का वैल्यू जो आया है यहाँ पे 94 आया है। इस जो वैल्यू है एक जगह हम यहाँ पे 94 पुट कर दिए, प्लस एन दिया हुआ 20, तो 20 रहने दिए यहाँ पे। अब 20 - 1 और डिफरेंस लाए थे -5 का। अब यहाँ पे 94 इसको माइनस कर देंगे तो 19 और ये -5। अब यहाँ पे ये 19 4, अब माइनस माइनस कितना जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा हम लोग को आया, इसको यहाँ पे कितना कर देंगे 95 कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आता है, ये ऐड करने पे तो इसका आंसर हम लोग को कितना दिया हुआ है, ये यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो इसका वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, बड़ा वाला सिंबल क्या चाहिए, माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से जो t20 टर्म कितना निकला, माइनस निकला। आप यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हैं कि 20 टर्म a + n - 1 d, ए का वैल्यू 94 प्लस लिखे, एन का वैल्यू यहाँ पे जो 20 20 - 1, डी दिया हुआ -5 जो पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 95, अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 95 में 94 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा -1। ये जो वीडियो है ये सेमेस्टर जो थर्ड के लिए मैथ है उसके लिए भी है, और जो 12th का जो कॉमर्स का क्लास है उसके लिए भी है। तो इस वीडियो को आप दोनों लोग देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, केवल नंबर वैल्यू चेंज है। तो आप इस वीडियो को जो थर्ड सेमेस्टर में हम लोग देख सकते हैं और जो 12th का है हम लोग भी देख सकते हैं, वहाँ पे क्या है केवल वैल्यू चेंज है, प्रोसेस सेम है। तो आप जो मेरे चैनल है अभी जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग जल्दी से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को जितना से जितना लोगों में शेयर करें, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो जो कंटेंट है और भी क्लियर आएगा, एडिट मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा कोई जब देखने लगेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। इस चलते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें तो और भी अच्छा वीडियो बनाने का मन भी करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। बहुत कम लोग हैं फिर भी 100 लोग जल्दी जो हमारे चैनल में है पूरा होने वाले हैं, 94 हो गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 2-4 दिन में आप लोग 200 पूरा कर देंगे, और ये भरोसा भी है। इसलिए चैनल को पूरा फेसबुक में, कॉलेज का जो ग्रुप है उसमें, और जो मैसेंजर में, फेसबुक में, जहाँ पर भी वो आप शेयर करें, लोगों को बताएं, अपने दोस्त को बताएं कि यहाँ पे मैथ का क्लास हो रहा है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, निशुल्क है, और जिसको पैसा दे के पढ़ना है वो ऐप को इंस्टॉल कर सकता है। ऐप को इंस्टॉल करने पर वहाँ पर ID जनरेट करना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको एनिमेटेड वीडियो मिलेगा जो ज़्यादा अच्छा से, जिसको पढ़ना है आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से पैसा पेड करना पड़ेगा, उसके बाद आप देख सकते हैं वीडियो।